एक बेमिसाल बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग इस शहर की सबसे बड़ी खूबियों में से एक है। सिंगापुर नेशनल स्टेडियम एक हैरत अंगेज ढांचा है, बेशक ये सबसे अलग है। इसके ऊपर चमकती हुई वो लाइट्स बहुत अच्छी लगती है। ये मल्टी अवार्ड विनिंग स्पोर्ट्स अरीना सिंगापुर की नेशनल प्राइड का शानदार सिंबल है, पर उससे भी ज्यादा ये आर्किटेक्चर का वो कारनामा है जो पहले कभी नहीं हुआ। ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्री स्पैनिंग डोम है। आप इतना बड़ा डोम कैसे बना सकते हैं? ये स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की एक शानदार मिसाल है। जून 2014 में जब इसका इनॉग्रेशन हुआ तो वो जबरदस्त सेरेमनी की तरह से प्रकृति के नियमों के खिलाफ चल रही एक लड़ाई में जीत का जश्न थी। फिजिक्स हो या मौसम या फिर वो जमीन जिस पर ये स्टेडियम बना है, उन सब ने मिलकर इतनी मुश्किलें पैदा की कि इसके डिजाइनर्स हार मानने की कगार पर पहुंच गए थे। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो इसे बनाते हुए बहुत सी चुनौतियों का सामने आना नेचुरल था। ये जानने का सिर्फ एक तरीका है कि आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स ने उस लड़ाई को जीतकर किस तरह इस स्टेडियम को एक हकीकत में बदला, और वो है इसे अलग अलग करके इसके अंदर छुपी हुई नई चीजों को सामने लाना। इस विशाल ढांचे में 11,000 टन से भी ज्यादा स्टील है, पर 2008 में जब डिजाइन टीम अब भी प्लान ड्रॉ कर रही है, ग्लोबल फाइनेंशियल क्रैश ने अपना असर दिखाया और स्टील की कीमतें सच में आसमान छूने लगी। जब हमने शुरू में इसका डिजाइन बनाया तो इसमें दोगुने स्टील की जरूरत पड़ रही थी, और फिर जब स्टील की कीमत बढ़ी तो हमने सोचा कि कम से कम इसका इस्तेमाल किया जाए, और इसको करने का तरीका क्या हो सकता है। प्रोजेक्ट को ओवर बजट जाने से रोकने के लिए टीम को जल्दी से एक नया डिजाइन चाहिए। हमारे डिजाइन का असल लक्ष्य इसके वजन को कम करना था ताकि हमारा डोम हर तरह से कामयाब हो सके। एक अच्छा डोम बनाने के लिए इसके वजन को कम करना बहुत ही जरूरी था। वो एक इनोवेटिव कंप्यूटर प्रोग्राम बनाते हैं जो बता सके कि स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए कम से कम स्टील कितना लगेगा। हमने डेवलप किया एक कस्टम मेड सॉफ्टवेयर ताकि हम उस रूफ स्ट्रक्चर के हर एक एलिमेंट को ऑप्टिमाइज कर सकें, चाहे वो हो स्टील की मोटाई या फिर ट्यूब का डायमीटर। उसे एक हल्का स्टील स्ट्रक्चर बनाने के लिए हर चीज को ऑप्टिमाइज किया गया। 20-30 साल पहले ये बिल्कुल मुमकिन नहीं था, और इस तरह के डिजाइंस को बनाने में कई साल लग जाते थे, लेकिन अब बस कुछ महीने ही। नतीजा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेकिंग डोम है जो इतना बड़ा है कि सिडनी ओपेरा हाउस इसके अंदर फिट हो सकता है।